हेलो एवरीवन। तो चलो फिर आज हम कुबरनेटिस के अगले टॉपिक की तरफ चल रहे हैं। तो बेसिकली आज का इस बार का जो टॉपिक है वो ऑन प्रेमिसेस में कुबरनेटिस के ऊपर लोड बैलेंसर का सेटअप कैसे करते हैं, उस पर डिस्कस करेंगे। तो थोड़ा सा पहले वाले टॉपिक पे डिस्कस कर लेते हैं, जिससे कि आप लोगों को समझने में इस टॉपिक को ईजी हो जाए। तो दोस्तों, हमने अभी जो कुबरनेटिस का क्लस्टर है ना, कहाँ पर सेटअप किया है? AWS पे सेटअप किया था, राइट? और VM के ऊपर भी सेटअप किया था, लेकिन लोड बैलेंसर जो हमने सेटअप किया वो AWS के ऊपर सेटअप किया। तो याद होगा आपको कि AWS के ऊपर मेरा तीन नोड बना था, एक मास्टर था और दो वर्कर थे। ये चीजें हमें क्लियर है, राइट? और ये भी आपको क्लियर है कि जब हम ये, जैसे मैं लिख देता हूँ यहाँ पर मास्टर नोड, फॉर एग्जाम्पल, काइंड ऑफ एग्जाम्पल, ये हमारा मास्टर नोड था मान लीजिए, और ये हमारा वर्कर वन एंड वर्कर टू। राइट? तो जब हमने AWS के ऊपर कुबरनेटिस का क्लस्टर सेटअप किया था, तो उसने हमें एक मास्टर नोड दिया था, दो वर्कर दिए थे, और मास्टर नोड में एक टेंट लगा हुआ था कि कोई पॉड शेड्यूल नहीं होगा। ठीक है? तो बाय डिफॉल्ट मैंने बताया भी था कि जब भी मास्टर नोड सेटअप होता है तो उस पर एक टेंट लगा होता है कि कोई भी पॉड उसके ऊपर शेड्यूल नहीं होगा, बट आप उस टेंट को हटाकर उसके ऊपर भी पॉड की शेड्यूलिंग कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो हमने जब कुबरनेटिस AWS के ऊपर कुबरनेटिस का क्लस्टर सेटअप किया था, तो हमने उसके ऊपर लैब भी की थी, याद होगा आपको। लैब इट मींस हमने पॉड बनाया था, एक डिप्लॉयमेंट बनाया था, तो डिप्लॉयमेंट हमारा बन गया था और डिप्लॉयमेंट के अंदर हमारा पॉड बन गया था, राइट? ये भी क्लियर है आपको। और पॉड जो होती है डिप्लॉयमेंट से कनेक्टेड होती है, और डिप्लॉयमेंट को हम डिप्लॉयमेंट के ऊपर हमने एक सर्विस भी लगाई थी, याद है आपको ये वाली चीजें भी, एक सर्विस भी हमने लगाई थी। ये सर्विस है जस्ट काइंड ऑफ, और सर्विस लगाने का बेनिफिट्स क्या है ये भी हमने डिस्कस कर चुके थे। तो जब हमने सर्विस बना देते थे तो क्या होता था, तो डिप्लॉयमेंट के ऊपर अगर एक सर्विस बन गई, तो अगर किसी दूसरे पॉड को इस पॉड से कनेक्टेड होना है, तो इस सर्विस बनाने के बाद क्या होता था, डिप्लॉयमेंट का एक अगर सर्विस बनाए तो एक क्लस्टर आईपी आ जाती थी। तो आप उस क्लस्टर आईपी को हिट करते थे, उस क्लस्टर आईपी के नीचे ये जो पॉड है ये उसके साथ बाइंड रहता था। तो उससे फायदा क्या होता था कि अगर ये पॉड डिलीट हो जाए और नया पॉड आए, तो जब उसकी नई आईपी आती थी तो आपको बार बार आईपी बदलने की जरूरत नहीं पड़ती थी। आप उसी क्लस्टर आईपी पे हिट करते थे, वो बैकएंड में जो नया पॉड की आईपी आई है उसके साथ इंटीग्रेट ऑटोमेटिक हो जाता था, राइट? तो बेसिकली क्लस्टर आईपी का यूज हम तब कर रहे होते हैं जब क्लस्टर के बीच में इंटरनल कम्युनिकेशन करना है, मतलब एक ही क्लस्टर के अंदर एक डिफरेंट पॉड है, नंबर ऑफ पॉड है, और नंबर ऑफ पॉड को आपस में कनेक्ट होना है विद द हेल्प ऑफ प्राइवेट आईपी। तो क्लस्टर आईपी इज द बेस्ट फंडा था। लेकिन जब बात आई कि भाई कि यहाँ पर जो डिप्लॉयमेंट चल रहा है और एक बंदा यहाँ बैठा हुआ है, जैसे कि मैं बोलूँ कि दिस इज माई लैपटॉप, दिस इज माई लैपटॉप, और अगर क्या मैं अपने लैपटॉप से बैठ के इस क्लस्टर के अंदर एक डिप्लॉयमेंट चल रहा है, क्या मैं उस डिप्लॉयमेंट को एक्सेस कर सकता हूँ? तो सवाल आता है कि नहीं कर सकते आप यहाँ से बैठ के, है ना? तो उसके लिए हमने नोड पोर्ट भी देखा था, यहाँ पे लिख देता हूँ। हमने क्लस्टर आईपी भी हमने डिस्कस कर लिया और नोड पोर्ट भी हमने डिस्कस कर लिया था। तो जब हमने नोड पोर्ट डिस्कस किया तो क्या हुआ कि नोड के ऊपर एक पोर्ट असाइन हो जाता है, और फिर हम बाहर से बैठ के इस नोड की पब्लिक आईपी पे और उस पोर्ट को हिट करते हैं। तो वो क्या करता है, बैकएंड में उस सर्विस के ऊपर जो क्लस्टर आईपी है वहां पे जाता है, और पीछे बैकएंड में पोर्ट तक ट्रैफिक चली जाती थी, राइट? लेकिन नोड पोर्ट के थ्रू अगर हम एक्सेस कर रहे थे तो दिक्कत क्या आ रही थी कि हमें पोर्ट लगाना पड़ता था, हर बार कस्टमर को यहां से बैठ के पोर्ट लगाना पड़ता था, राइट? तो फिर हमने देखा भाई पोर्ट हटाना है तो क्या किया, तो फिर हमने क्या किया कि इस सर्विस, बोले तो डिप्लॉयमेंट के ऊपर जो हम सर्विस बनाते थे, उस सर्विस को जो हम एक्सपोज कर रहे थे, उसको क्लस्टर आईपी ना करके, नोड पोर्ट ना करके, हम उसको एज अ लोड बैलेंसर एक्सपोज करते थे। तो जब हम उसको एज अ लोड बैलेंसर एक्सपोज करते थे तो AWS पे यहां पर एक लोड बैलेंसर क्रिएट हो जाता था। ये चीजें हमने देखी है, राइट? एक ELB क्रिएट हो जाता है, और ये भी देखा है कि जो ELB क्रिएट होता था AWS के ऊपर वो क्लासिक लोड बैलेंसर होता था।
अब क्या होता था, जब जैसे ही एलबी क्रिएट हुआ तो AWS हमें इस सीएलबी का एक होस्ट नेम प्रोवाइड कर देता था, xyz.example.com, जस्ट लाइक मैं एग्जांपल लिख रहा हूं। तो फिर हम बाहर से बैठकर इसको हिट करते हैं, तो ये लोड बैलेंसर का एड्रेस है। अब लोड बैलेंसर के बैकेंड में क्या होता था, लोड बैलेंसर के बैकेंड में, ये लोड बैलेंसर के बैकेंड में एक तो ये नोड की आईपी ऐड हो जाती थी और दूसरा इस नोड की आईपी, मतलब जितने भी पीछे वर्कर नोड है उनकी आईपी पे ऐड हो जाती थी विद नोड पोर्ट। ठीक है, तो बाहर से बैठ के बंदा इसको हिट करता और ये बैकएंड में एक बार इस नोड को भेजता था, एक बार इस नोड को भेजता था, इस नोड की आईपी को, एक बार इस नोड की आईपी को, ये सब हमने प्रैक्टिकल में कर रखा है। और इसलिए मैं इस सारी चीजें जल्दी जल्दी जल रिपीट कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने इसका लैब करा रखा और थ्योरी भी करा रखा। जस्ट मैं एक ओवरव्यू दे रहा हूँ क्योंकि मैं एक नया टॉपिक आज पढ़ाने जा रहा हूँ। तो आपको पता है कि नोड पोर्ट भी साथ में आ जाता था, तो नोड पोर्ट बैकएंड में वो मैनेज कर रहा है यहाँ पर। तो क्वेश्चन हमारा यहाँ पर ये है कि चलो ठीक है, आपने AWS पे बैठा और आपने अपने डिप्लॉयमेंट के ऊपर एक सर्विस बनाई और सर्विस को एज अ लोड बैलेंसर किया, तो एक लोड बैलेंसर अपने आप प्रोविजन हो जाता था, बात ठीक है। लेकिन आज का हमारा जो टॉपिक है बेसिकली ये है दोस्तों कि अगर हम ये AWS पे बैठ के नहीं कर रहे हैं, अगर हमें हमारा क्लस्टर AWS पे नहीं है, हमारा क्लस्टर ऑन प्रेमिसेस में, मान लो ये ऑन प्रेमिसेस में हमारा क्लस्टर है, AWS यहां से मैं हटा ही देता हूं, अभी ऑन प्रेमिसेस लिख देता हूं, राइट, ऑन प्रेमिसेस। अब ऑन प्रेमिसेस का मतलब है फिजिकल पे भी हो सकता है या वीएम पे भी हो सकता है। बोले तो IIS पे चल रहा है हमारा, हाँ मान लीजिए हम इसको एज अ IaaS पे चला रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर एज सर्विस पे चला रहे हैं, तो ये ऑन प्रेमिसेस पे, राइट, या तो वीएम पे होगा। तो अगर हमने कोई डिप्लॉयमेंट बनाया और उस डिप्लॉयमेंट के अगर हम सर्विस बना रहे हैं दोस्तों, तो उस सर्विस को अगर हम क्लस्टर आईपी करते हैं तो क्लस्टर आईपी असाइन हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। नोड पोर्ट करेंगे तो नोड पोर्ट असाइन हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर हम उसको एज अ लोड बैलेंसर एक्सपोज करेंगे तो इसको कैसे पता लगेगा कि भाई लोड बैलेंसर कहाँ ढूंढेगा, ये लोड बैलेंसर को, कोई लोड बैलेंसर की डिवाइस तो आपने लगा रखी नहीं है, कोई लोड बैलेंसर की डिवाइस तो हमने लगा के रखी नहीं कि वो लोड बैलेंसर को पिकअप कर लेगा। क्लियर? तो यहां पर कोई लोड बैलेंसर तो उसको मिलने वाला है नहीं, अगर IaaS पे है या VM के ऊपर है। तो उस टाइम पर आप क्या करोगे, अगर हमने हमने अपने डिप्लॉयमेंट को के ऊपर सर्विस बनाया और सर्विस को एक्सपोज किया था लोड बैलेंसर, तो वो पेंडिंग में रहेगा, उसको लोड बैलेंसर कोई आईपी मिलेगी, सॉरी सॉरी इंटरनेट चला गया था मेरा, दोबारा से रिपीट कर लेते हैं, कोई बात नहीं। हाँ तो इंटरनेट चला गया था, एक बार फिर से रिपीट करता हूँ। तो अगर हम ये IaaS पे बैठे हुए हैं, बोले तो इंफ्रास्ट्रक्चर या सर्विस पे बैठे हुए हैं या अपने ऑन प्रेमिसेस में बैठे हुए हैं, तो अगर हम अपने डिप्लॉयमेंट को के ऊपर सर्विस बनाते हैं और सर्विस को अगर हम एज अ एक्सपोज करें लोड बैलेंसर, तो लोड बैलेंसर यहाँ पे ढूंढता ही रह जाएगा, भाई लोड बैलेंसर तो है नहीं उसके पास। AWS पे आप कर रहे थे तो AWS पे बैकेंड में वो फटाक से लोड बैलेंसर प्रोविजन कर देता था और ऐड कर देता था, ऑन प्रीमिसेस में कैसे करेगा। तो कुबरनेटिस तो ऐसा कोई सर्विस दे नहीं रहा कि भाई ये लीजिए लोड बैलेंसर, नहीं दे रहा ना। सॉरी फिर से इंटरनेट चला गया, कोई नहीं। तो यहां पर अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर या सर्विस करने आते हैं तो आपको क्या करना होगा दोस्तों, तो उस केस में एक अलग से सर्विस आपको यूज करनी पड़ती है, उसका नाम है मेटल एलबी, मेटल एलबी नामी सर्विस आपको यूज करनी पड़ेगी। तो जब आप मेटल एलबी लोड बैलेंसर की सर्विस आप यहां पे यूज करेंगे तो क्या होगा, देखिए मास्टर नोड पे एक नया नेम स्पेस क्रिएट हो जाएगा, उस नेम स्पेस का नाम होगा metal_lb.system, और इस नेम स्पेस के अंदर आप इस नेम स्पेस के अंदर आपका एक पॉड क्रिएट होगा, और उस पॉड के ऊपर बोले तो पॉड के अंदर एक वर्चुअल लोड बैलेंसर क्रिएट हो जाएगा, वर्चुअल लोड बैलेंसर।
और फिर आप उस वर्चुअल नोड बैलेंसर को आप एक नेटवर्क का पूल डिफाइन कर देंगे, या तो पब्लिक आईपी एड्रेस का पूल दे दीजिए या तो प्राइवेट दे दीजिए तो भी चलेगा। तो एक पूल हम डिफाइन कर देंगे, जैसे मैंने एक पूल डिफाइन कर दिया 192.168.100 से लेकर मैंने एक पूल डिफाइन कर दिया, जैसे ये पूल मैंने डिफाइन कर दिया 192.168.183.200। तो अब क्या होगा दोस्तों, अब अगर मैं इस पहली सर्विस को एक्सपोज करूंगा एज अ लोड बैलेंसर, तो उसको क्या होगा, इस पूल में से एक आईपी उसको असाइन हो जाएगी और यहां पे जस्ट उसको ऐसा लगेगा यहां पर एक लोड बैलेंसर आ गया और उसको एक यहां पे आईपी असाइन हो जाएगी इस पूल में से 192.168.183.100 मिलेगी। इसी तरीके से एक और अगर मैं डिप्लॉयमेंट बनाऊंगा उसको भी मैं एक्सपोज करूंगा एज अ लोड बैलेंसर, तो अब क्या होगा, यहां पर एक दूसरा लोड बैलेंसर क्रिएट हो जाएगा और उसको एक उसके नेक्स्ट वाले रेंज की 3101। तो ऐसे वर्चुअल लैंड का लोड बैलेंसर बनते जाएंगे और हर एक डिप्लॉयमेंट के साथ मैप होते जाएंगे। तो फिर मैं बाहर से बैठकर इसको हिट करूंगा तो मैं अंदर तक आ सकता हूं। हाँ, लेकिन मेटल एलबी जो है वो लेयर टू का लोड बैलेंसर है, लेयर टू पे काम करता है। तो लेयर टू का फंक्शनलिटी क्या होता है, ये विद इन द नेटवर्क ही एक्सेस होता है, क्रॉस द नेटवर्क एक्सेस नहीं होता, ये बात ध्यान रखना। तो क्रॉस विद इन द नेटवर्क का मतलब अगर मैं 183 के नेटवर्क से आता हूं तो ही एक्सेस होने देगा, अगर अगर नेटवर्क यहां पर चेंज हो जाता है 184 हो जाता है, 192.168.184 होता है, 185 होता है, तो नहीं एक्सेस नहीं आने देगी ट्रैफिक, क्योंकि लेयर टू है। तो उसके लिए आपको बीजीपी, आप मेटल एलबी को एज अ बीजीपी पे भी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, लेकिन बीजीपी के लिए आप यहां पर जो स्विच यूज करेंगे वो बीजीपी सपोर्टेड होना चाहिए। तो इस पे डिस्कस मैं अभी नहीं करूंगा, बाद में बताऊंगा, बट फंक्शनलिटी है। हाँ, यहां पर आप कंपनी में ऐसा कर सकते हैं कि आप अपना यहां पर एक राउटर लगा लें, आप अपनी कंपनी में यहां पर एक राउटर लगा लें और क्या करें, इस राउटर के इस वाले पोर्ट पे एक पब्लिक आईपी आप परचेज कर लें, ये अपने परचेज कर लिया और ये बाहर से नेटवर्क एक्सपोज रखिए और उसके बाद बाहर से बोलिए कि आप इस आईपी पे एड करिए, तो जब इस आईपी पे कोई ट्रैफिक आएगी तो उससे फॉरवर्डिंग लगा दीजिए इस आईपी पे। बात इस तरीके से आप काम कर सकते हैं, इस तरीके से, क्लियर। तो चलो प्रैक्टिकल करके दिखाता हूं मैं आपको ये वाली चीजें, तो समझ आएंगी। तो ये देखिए, मैं पहले kubectl और get deployment करता हूं, तो मेरे पास कोई deployment नहीं है, एक deployment बना लेते हैं kubectl run, deployment का नाम web-image-nginx। तो ये एक deployment बन गया kubectl get deployment, अंदर deployment मेरा एक, पॉड भी बन रहा होगा, देख लेते हैं kubectl get pods, अभी बन रहा है, बाकी पहले वाला दिखा रहा है तो उसको मैं डिलीट कर देता हूं kubectl, डिलीट पॉड, ऊपर के सारे पॉड हटा देता हूं। ये सारे पहले के बना रखे थे मैंने, देखो रेडी हो गया मेरा वो डिप्लॉयमेंट kubectl get deployment रेडी हो गया। अब इसको एक्सपोज कराते हैं, kubectl expose, डिप्लॉयमेंट को एक्सपोज किया, वेब नामी -- टाइप लोड बैलेंसर,
ठीक है, हाइफन हाइफन पोर्ट 80। तो अब मैं kubectl गेट सर्विस करता हूं, तो देखिए ये आईपी पेंडिंग है क्योंकि इसको लोड बैलेंसर मिल ही नहीं रहा अभी, तो ये पेंडिंग ही रहेगा यहां पर, इसको लोड बैलेंसर मिल ही नहीं रहा अभी। तो अब आप क्या करेंगे, तो अब चलते हैं लोड बैलेंसर सेटअप करने। तो आप अलग से सर्विस होती है, गूगल पे आइए और यहाँ पे सर्च करिए मेटल एलबी, तो यहां पे आया मैंने, बोला क्यूबरनेटीस, ये आ गया मेटल एलबी लोड बैलेंसर। कोई भी यहां से उठा लीजिए, इंस्टॉलेशन पे आते हैं, तो ये इंस्टॉलेशन बाय मैनिफेस्ट यहां से कॉपी करिए, ये पेस्ट किया मैंने, तो इसने एक नेम स्पेस बनाया है और आप देख सकते हैं kubectl गेट नेम स्पेस, देख सकते हैं kubectl मेटल एलबी सिस्टम करके एक नेम स्पेस बनाया, और इस नेम स्पेस में क्या पॉड्स है वो भी आप देख सकते हैं। कैसे देखेंगे, गेट पॉड्स नेम स्पेस का नाम आपने दे दिया मेटल हाइफ मेटल एलबी हाइफन सिस्टम, सॉरी यहां पर मुझे हाइफन है नेम स्पेस, राइट। तो देख सकते हैं एक कंट्रोलर बना और एक स्पीकर, एक कंट्रोलर और स्पीकर। अब लेकिन अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ है, कंप्लीट करने के लिए नीचे आइए और ये कॉन्फ़िगरेशंस में जाइए। तो देखिए लेयर टू कॉन्फ़िगरेशन एंड बीजीपी कॉन्फ़िगरेशन, तो लेयर टू का ये रहा, तो जिसको यहां से कॉपी करिए और चुपचाप से आपने यहाँ पे बोला मेटल एलबी हाइफन ईएलबी डॉट यामल, सॉरी यामल की स्पेलिंग गलत कर दी हमने, यामल, और इसको हमने यहां से चेंज कर लेना है 192.168.183.100 से मैंने रेंज दे दी, इस टाइप से आपको देनी होगी 192.168.183.200, ठीक है, और सेव करके बाहर आया। उसके बाद kubectl apply माइनस एफ मेटल एल, देख सकते हैं। तो अब मैं kubectl अगर गेट सर्विस करूं तो देख सकते हैं इसको एक आईपी असाइन हो गई, अब ये आईपी में लोड बैलेंसर की आईपी है, देख सकते हैं एक्सेस हो गया। इसी तरीके से दोस्तों अगर मैं अगली सर्विस बनाऊंगा kubectl रन ऐप बना देता हूं मैंने हाइफन हाइफन इमेज इक्वल टू nginx, देख सकते हैं kubectl गेट डिप्लॉयमेंट किया, तो एक और डिप्लॉयमेंट बन रहा है आपको, ये आ जाएगा, ये आ गया। अब मैं kubectl एक्सपोज डिप्लॉयमेंट ऐप किया मैंने हाइफन हाइफन टाइप लोड बैलेंसर हाइफन हाइफन पोर्ट 80, तो अब देखो एक डिफरेंट आईपी इसको पूल से मिल गया। तो ये था दोस्तों, देखो राइट। हाँ अगर अब मैं बाहर, मैं अभी मेरे इसमें से एक्सेस हो रहा है क्योंकि मेरा लैपटॉप का जो आईपी है 183 रेंज का है, अगर 184 से कोई आता है तो नहीं आने देगा राइट, क्योंकि लेयर टू का है, तो उसके लिए फिर आपको ये स्विच लग राउटर लगाना पड़ेगा। तो चलो दोस्तों आपको ये समझ में आ गया, और बीजीपी की बात हम बाद में करेंगे क्योंकि बीजीपी बेस सपोर्टेड स्विच मेरे पास नहीं है कि मैं इसकी लैब आपको करके दिखा सकूं। चलो दोस्तों फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं बहुत ही जल्दी, बाय बाय।